कोरोना से रिकवरी में भारत नंबर वन, 6 महीने में 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। भारत में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट होती दिख रही है। पिछले कई दिनों से देश में रोज 30,000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही भारत का रिकवरी रेट भी सुधरा है। इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा रिकवरी रेट भारत का ही है। भारत का रिकवरी रेट 95.46% है, तो वहीं अमेरिका जैसे विकसित देश का रिकवरी रेट 58% ही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने ऐलान किया है कि भारत अगले 6 से 7 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी कर रहा है। हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन के साथ कई विदेशी वैक्सीन भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाने का है। हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने मिलकर और उन्होंने सब जो वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम किया है, विज्ञान की जो रिसर्च पर काम किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम किया है, वायरस के आइसोलेशन पर काम किया है, और आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को, और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया। और खबरों के लिए टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।